हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एबीसी क्लासेस बाय राजन वर्मा। दोस्तों, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आप सभी लोग जानते हैं AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहां पर अप्रेंटिस के लिए फॉर्म निकला हुआ है, जहां पर ग्रेजुएट, डिप्लोमा और आईटीआई इनके लिए आवेदन आया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दें अप्रेंटिस करने का एक फायदा क्या है, आप क्यों करेंगे। ठीक है ना, तो अप्रेंटिस करने का मतलब है यहां पर आपके स्किल को बढ़ाया जाता है। ठीक है, आपका जो भी ट्रेड से डिप्लोमा है, ग्रेजुएट है, आईटीआई है, तो आपके उस ट्रेड के स्किल को बढ़ाया जाता है। ठीक है, आपको एक साल की ट्रेनिंग करनी होती है, उसके बाद फायदा ये होता है कि आप अपने रिलेटेड ट्रेड से कहीं पे भी अगर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलता है और आपकी जॉब जो है सिक्योर हो जाती है। क्या हो जाती है? सिक्योर हो जाती है, क्योंकि आपने अप्रेंटिस किया हुआ है, आपने ट्रेनिंग ली है, वो भी एक साल की। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने के साथ साथ मॉक टेस्ट देना कितना ज्यादा जरूरी है आप सभी को पता है। टेस्ट बुक का मॉक टेस्ट सबसे अच्छा है, ये भी आपको पता है। टेस्ट बुक लेकर आया है आप सभी के लिए फ्लैश सेल, जो कि 24 घंटे के लिए चल रहा है। 580 से ज्यादा एग्जाम, 46,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट, जो आपका साल भर का टेस्ट बुक का पास है 399 रुपये का, वो मात्र 360 रुपये में ACR कोड यूज़ करने पे आपको मिल जाएगा। यदि आप SSC CGL की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे UPPCL की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर UP पुलिस या किसी भी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप ये पास बाई कर सकते हैं। 10% का ऑफ आपको तुरंत मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे डिसिप्लिन का मतलब कि कौन कौन से ट्रेड से फॉर्म आया हुआ है, नंबर ऑफ सीट की बात करेंगे, कितनी वैकेंसी आई है, एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग। तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग कितना है? वन ईयर है। ठीक है, चाहे वो ग्रेजुएट हो, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे ITI हो, तो यहाँ और मंथली स्टिपेंड की भी बात करेंगे। तो सबसे देखिए दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे कि सिविल ग्रेजुएट, तो ग्रेजुएट लिखा हुआ है, तो सिविल ग्रेजुएट के लिए 4 पोस्ट है, लेकिन डिप्लोमा के लिए 24 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल ग्रेजुएट के लिए 2 पोस्ट है, लेकिन इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा के लिए 16 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रेजुएशन ग्रेजुएट के लिए 13 पोस्ट है और इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा के लिए 34 सीट है। ठीक है ना, कितनी ये सीटें हैं। ठीक है ना, आगे कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 3 पोस्ट है ग्रेजुएट से, और आप देख रहे हैं डिप्लोमा से यही आपका जो है 11 सीट है। एरोनॉटिकल, एरोनॉटिक्स और एयरक्राफ्ट में जो आपका है 2 पोस्ट है ग्रेजुएट से, और डिप्लोमा से आपके 12 पोस्ट हैं। ठीक है, और आगे आप देख रहे हैं आर्किटेक्चर ग्रेजुएट 1 पोस्ट है और डिप्लोमा से 2 पोस्ट है। मैकेनिकल ऑटोमोबाइल ग्रेजुएट 1 पोस्ट है और डिप्लोमा से 6 पोस्ट है। इसी तरीके से आपका कोपा ITI के लिए, आप जो ITI जिन्होंने ITI किया हुआ है उनके लिए कोपा COPA। ठीक है ना, तो आपका कोपा का 1 ईयर का अप्रेंटिस है, जहां पे आपको ITI चाहिए। ठीक है, तो ITI के लिए केवल कोपा COPA कोपा है, और आपने ITI किसी भी ट्रेड से किया हो आप कोपा कर सकते हैं, ITI का कोई भी ट्रेड हो। ठीक है, कोई भी ट्रेड हो आप कोपा कर सकते हैं। बाकी ग्रेजुएट के लिए और डिप्लोमा के लिए आपने देखा अभी कि आपके लिए कितनी कितनी पोस्ट आई हुई है, कितनी। ठीक है, तो आपको ये भी पता चल गया, नंबर ऑफ सीट भी पता चल गया, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग 1 ईयर है, और मंथली स्टिपेंड की अगर हम बात करें तो जो ग्रेजुएट हैं, जिनके पास ग्रेजुएट का मतलब क्या हो गया, 4 ईयर डिग्री क्वालिफिकेशन में, 4 ईयर डिग्री और 3 ईयर डिप्लोमा और या फिर ITI आपका चलेगा। ठीक है ना, ITI, तो 4 ईयर ग्रेजुएट जो है उनको मिलेगा 15,000 रुपए। तो दोस्तों देखिए, एक ये बहुत ही अच्छी बात है, 15,000 मंथली, क्या है, 15,000 मंथली है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपको ट्रेनिंग भी मिल रही है और आपको सैलरी भी मिल रही है, एक स्टिपेंड मिल रहा है, ताकि आप वहां पे रह के ट्रेनिंग कर सके, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, 15,000 एग्जैक्ट। ठीक है, उसके बाद डिप्लोमा को कितना मिलेगा, तो डिप्लोमा होल्डर को 12,000 मिलेगा। ठीक है, और ITI जिन्होंने ITI किया हुआ है, ITI होल्डर को कितना मिलेगा, 9,000 रुपए पर मंथ, क्या मिलेगा, 9,000 रुपए पर मंथ मिलेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं
ट्रेनिंग लोकेशन की, ठीक है, ट्रेनिंग लोकेशन की हम बात कर लेते हैं कि जब आपकी पोस्टिंग होगी तो आपका ट्रेनिंग कहाँ कहाँ पे होगा, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ढेर सारे डिस्ट्रिक्ट हैं आपका नॉर्दर्न रीजन, ठीक है ना, नॉर्दर्न रीजन में ढेर सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है ना। आदमपुर, आगरा, अलीगढ़, अमृतसर, आजमगढ़, बरेली, भटिंडा, ठीक है, बीकानेर, सीएसीटीसी, चित्रकूट, देहरादून, फर्रुखाबाद, फुर्सतगंज, ठीक है, गोरखपुर, ग्वालियर, ऐसे काफी हैं। तो इनमें से कहीं पर भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है, कहीं पर भी आपकी ट्रेनिंग हो सकती है, ये बिल्कुल आपको कहीं पे भी ट्रेनिंग के लिए भेजा जा सकता है, ठीक है ना। अब देखिए लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो 7 नवंबर, 7 नवंबर आपका लास्ट डेट है, और क्वालिफिकेशन मैंने बताई दिया 4 ईयर डिग्री या फिर 3 ईयर डिप्लोमा, ठीक है दोस्तों। आपका लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे आपको सही सही जानकारी हमेशा मिलती रहेगी, ठीक है। और ये चीज, एक चीज और बता दूं, जो भी ग्रेजुएट करके अभी बैठे हुए हैं, उनको उनकी जॉब नहीं लगी है, तो अप्रेंटिस कर लेना, बहुत ही अच्छा मौका है, ठीक है। बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन और कंडीशन, कंडीशन का मतलब क्या है, इस ट्रेनिंग के लिए आपको एक कंडीशन है, द अलोकेटेड एयरपोर्ट विल बी फाइनल, जो आपको एयरपोर्ट अलोकेट किया जाएगा वो बिल्कुल फाइनल है, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। हो सकता है वो आपका जयपुर मिल जाए, हो सकता है आपका कुशीनगर मिल जाए, हो सकता है लखनऊ मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, तो जो होगा वो फाइनल होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। एज की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 26 ईयर्स है सर, मिनिमम क्या है, तो मिनिमम 18 ईयर्स है, ठीक है, मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 26 ईयर्स, 26 ईयर्स, और ईयर जो आपका काउंट होगा 31/8/2022, ठीक है। ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, 3 साल की छूट है, एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, ठीक है ना। तो एससी एसटी के लिए 26/5/31 हो गया, ओबीसी के लिए 26/3/29 हो गया, ठीक है ना। अब आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लगेगा, भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है ना, राज्य सरकार का नहीं लगेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो यहां पर 2 स्टेज हैं, पहला स्टेज है कि मेरिट बेस्ड शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट, ठीक है ना, मेरिट बेस्ड आपको एक शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे उनको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, उनको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। तो बात समझ में आ गई, कोई भी एग्जाम भी नहीं होना है, कुछ नहीं होना है, तो आपको फॉर्म भरने में क्या जा रहा है, क्योंकि एप्लीकेशन फीस जो है वो 0 रुपए है, क्या है, 0 रुपए है, तो एप्लीकेशन फीस 0 रुपए है, आपका एक पैसा नहीं पड़ना है, तो ट्राई करने में क्या जा रहा है, फॉर्म जरूर फिल कर दीजिएगा, ठीक है ना, आपके लिए अच्छा होगा। और अप्लाई लिंक, ये अप्लाई करने के लिए जो लिंक है वो कहां पर है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, बाकी और भी लिंक है लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के लिए, आप उसको भी देख सकते हैं। बाकी मेरिट बेस आपका शॉर्टलिस्ट होगा, और जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनको मेल आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे और कोई भी जानकारी नहीं है, इतनी ही छोटी सी जानकारी थी, इस फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा अगर आप एलिजिबल हैं तो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, आप सभी का समय शुभ हो।